हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपी टेक्स स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां हम बात करते हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग के बारे में। आज हम आपके साथ बातचीत कर रहे हैं एक छोटी सी कोड कि मेरे फोल्डर में बहुत सारे फाइल्स हैं और मुझे सारे फाइल्स को वन बाय वन ओपन करना है। बाद में इसमें हम कॉपी वगैरह और बाकी चीजें भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल सारे फाइलों को ओपन करना है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे साथ लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं मुझे। आज ही रात को 9 बजे में एक नया बैच वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग का स्टार्ट कर रहा हूं। साथ में अगर आपको रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए, पूरी की पूरी रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग की शुरू से लेकर अंत तक, तो मेरा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। Recording in progress. एक बार क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एक फोल्डर है डी ड्राइव के अंदर, उसके अंदर बहुत सारे फाइल्स हैं, मुझे सारे फाइल्स को वन बाय वन ओपन करना है। ये रहा डी ड्राइव, और डी ड्राइव के अंदर रहा डेटा फाइल, डेटा फोल्डर, और इसके अंदर टोटल 12 फाइलें हैं, और 12 फाइलों को इकट्ठा ओपन करना है, वो भी वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग की मदद से। ओपन करना सीखेंगे तभी हम इसके अंदर बाकी और चीजें भी कर सकते हैं। तो मॉड्यूल्स में आते हैं, सब्जेक्ट और ए 101 सैंपल कोडिंग की ये वीडियो सीरीज है जिसका है 19वां नंबर वीडियो है। बाकी वीडियोस के लिए मेरा चैनल चेक कर सकते हैं। अब यहां पे मैं लिखता हूं सबसे पहले डिम एफ एन एज ए लॉन्ग, ये स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग होगा क्योंकि फाइल नेम तो टेक्स्ट होता है ना, इसलिए। फिर यहां लिखते हैं डू व्हाइल एफ एन इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक देन लो, और फिर यहां पे हम करते हैं फाइल को ओपन। लेकिन उससे पहले डायरेक्टिव फंक्शन, जी हाँ, एफ एन इक्वल टू डी आई आर ब्रैकेट में अपना लोकेशन, जो फोल्डर का लोकेशन आपका है डेटा, और यहाँ स्टार्ट। एक्सेल फाइल चाहिए तो एक डॉट एक्सेलएस या कोई और फाइल टाइप चाहिए, या आपको लगता है कि सारे फाइल एक्सेल के ही हैं तो आप यहाँ डाल दीजिए स्टार्ट डॉट स्टार्ट, उसके बाद कॉमा करके मैं वीवी नॉर्मल, मतलब कि नॉर्मल फाइल सेलेक्ट कर ली। अब लूप क्यों लगाया? लूप लगाने के पीछे का रीजन ये है कि डायरेक्टली जो है क्या करेगा, सारे के सारे फाइल्स नेम अपने पास रख लेगा। लेकिन एफ एन क्या, एफ एन एक स्ट्रिंग है, तो यहाँ एक बार में इसको एक ही फाइल देगा, दूसरा फाइल नहीं देगा, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे कि वर बुक्स डॉट ओपन, और पाथ हमारे सामने यहाँ पे दिखा हुआ है, आप पाथ ले सकते हैं कि मैंने यहाँ पे पाथ लिया और यहाँ हमने दिया ए, और एन परसेंट में हमने यहाँ पे एफ एन कर दिया फाइल, और ये ओपन कर देगा। उसके बाद मुझे एफ एन इक्वल टू डी आई आर, ये इसलिए दे रहा हूं ताकि दूसरा फाइल दोबारा से लोड करेगा। जब सारे फाइल्स डी आई के पास खत्म हो जाएंगे तो एफ एन के ऊपर ब्लैंक लोड कर देगा, और मैंने वाला कहा है कि जब तभी तक चले जब तक वो नॉट इक्वल टू ब्लैंक। अब इस माइक्रो को मैं यहां से रन करता हूं, यहां से रन किया, देख सकते हैं एक एक करके सारे फाइल यहां ओपन कर रहा है, 12 फाइल इसने यहां पे ओपन कर दिया। और लास्ट क्लास में बताया था कि एक साथ सारे फाइल कैसे क्लोज करें, उस माइक्रो की मदद से आप माइक्रो क्लोज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वीडियो Recording stopped. वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरा मोबाइल नंबर नोट कीजिए और मेरा ऐप को डाउनलोड कीजिए। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।